कोसी के अथाह पानी में जिंदगी की जंग कैसे लड़ी जाती है, ये कोई कोसी तटबंध के अंदर रहने वाले लोगों से ही जानकारी मिल सकती है। हम इस वक्त खड़े हैं वेरिया मंच के पास, जो सदर प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, कोसी तटबंध के अंदर। यहाँ हजारों की आबादी रहती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर जो आबादी रहती है उसे हर रोज़ कोसी की इस धारा को पार करके बाहर निकलना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि सदर प्रखंड क्षेत्र में 5 पंचायत के लगभग 23 गांव कोसी तटबंध के अंदर रहते हैं, जिसका अधिकांश आबादी हर दिन कोसी की इस धारा को लांघ कर बाहर निकलते हैं और सदर बाज़ार में अपना रोज़मर्रा का काम कर वापस पुनः लौट जाते हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा भी व्यापक पैमाने पर इसकी व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी लोगों को आने जाने में, नदी की धारा को पार करने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। विभागीय सूत्र कहते हैं कि इसके लिए करीब 45 नाव की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग जो अंदर से बाहर आते हैं और फिर बाहर से अंदर अपने घर जाते हैं, उसको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। उस नाव का स्थानीय लोगों को कितना फायदा मिल पाता है, ये हम आपको दिखाएंगे। यहाँ जो लोग नाव से टप कर आते हैं बाहर, उन लोगों से पूछताछ करेंगे और जानेंगे कि उन लोगों को क्या कुछ सुविधाएं प्रशासन द्वारा दी जा रही हैं। खाय ल मरै छियै, घर ल मरै छियै, अंगना अंगना पानि छै। अभी कतय जा रहल छियै? अभी सुपौल जाइ छियै। कहाँ पर जेबै? अथी पर बाजार, अथी पल्ली जाइ छियै, घर पर जेबै। फेर चल जेबै अंदर? हाँ, फेन घुरि के जेबै पल्ली जेबै घर। तो वहाँ पर के सब छै? वहाँ सब बाल बच्चा छै। कोन गाँव से एलियै? भवानीपुर। कहाँ से आ रहे हैं, क्या सब? भवानीपुर से आ रहे हैं। हम लोग को बाढ़ बहुत है, उधर पानी जो है घर घर घुसा हुआ है, कोसी बेल्ट में कोई देखने वाला नहीं है। कितने लोग प्रभावित हैं उधर? बहुत, जो है हजारों से ज्यादा में प्रभावित में भी चल रहा है। तो सरकारी नाव की व्यवस्था है? व्यवस्था तो सरकारी नाव का है, लेकिन वहाँ पे कोई प्रशासन नहीं है, कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है। अभी नाव से आए, कितना पैसा दे करके? यहाँ से किराया लेता है 20 रुपये। 20 रुपया लेता है जी? सरकारी नाव नहीं है? सरकारी है ये, फिर भी लेता है 20 रुपये? 20 रुपये तब भी लेता है, तेल का खर्चा लेगा। क्या स्थिति है उधर की बताइए? उधर का बहुत बुरा स्थिति है, पानी घर घर पानी है, बगेवा है, भवानीपुर है, बेला है, बक्सा है। तो आप लोग रोज आते हैं? हाँ, रोज आते हैं। कहाँ आते हैं रोज? मार्केट के लिए, मार्केट में जिसको जो जरूरी पड़ता है वो लेता है। बेला सिद्धौर से। क्या स्थिति है उधर? इधर पानी बहुत है, बहुत पानी है, घर में ना पर चढ़े हैं तो फिर बाजार पर इतना पानी। बाहर आए हैं जी, क्या कोई खास काम था जी? बाजार जा रहे हैं, बाजार में बहुत सारा काम है। फिर लौटिएगा जी? शाम को लौटेंगे। ये सरकारी नाव है? निजी नहीं, नाव सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। हम लोग पूरे ग्रामीण 3-4 गाँव मिल करके चलवा रहे हैं। कितना पैसा लेता है? 20 रुपया लेता है। 25 लेता है। सदर प्रखंड में प्रखंड स्तर पे अभी तक कुल 45 नाव को यहाँ से परवाना निर्गत किया गया है। जैसे जैसे इस बार पानी का जो बहाव है या पानी का जो स्थिति है, पिछले साल की तुलना में अभी तक कम रहा है। अगर पानी इसे बढ़ता है तो हमारे लोगों के पास और रिजर्व में और नावें हैं, पब्लिक निजी नाव, जिसको हम बहाल कर सकते हैं। उसका निबंधन किया जा चुका है, सब कुछ है, जरूरत पड़ने पर हम उसको बहाली कर लेंगे। प्राय ऐसा देखा जाता है कि नाव को बहुत अधिक लोग सवार हो रहे हैं, तो हादसा हो सकता है, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन है? उसके लिए गाइडलाइन है, जो हमारा निबंधन जब हम करते हैं उसी पर उसको लदान क्षमता निर्धारित कर दिया जाता है, कि इस पर मैक्सिमम कितना आदमी एक साथ में सवार होकर के परिचालन किया जा सकता है। उसके लिए है कि लंबाई टू चौड़ाई और उसका एरिया निकालते हैं, और एरिया के आधार पर ही उसका क्षमता का निर्धारण होता है। ये तकनीकी चीज़ है और हम लोग उसी अनुसार करते हैं। अगर हमको ऐसा सूचना मिलता है कि ज़्यादा लोग का
परिचालन एक साथ में किया जा रहा है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। छोटे नाव पर भी देखते हैं 25-30 आदमी बैठ जाते हैं, तो अगर छोटे नाव पर अगर 25-30 आदमी बैठते हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वहाँ नागरिक लोग को फिर से हिदायत दिए हैं, दिशा निर्देश हम लोग दे चुके हैं, हम लोग रेगुलर विजिट भी करते रहते हैं कि नाव पर जो लदान क्षमता है उससे अधिक सवारी को एक साथ परिचालन नहीं किया जाए। प्रशासन के दावे और स्थानीय लोगों की जो मुश्किलें हैं, जो जमीनी सच्चाई है, उसमें काफ़ी कुछ फर्क दिखाई देता है। जो लोग नाव से टपकर बाहर निकलते हैं, उन लोगों का कहना है कि जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं नाव की, वो समुचित मिल नहीं रहे, नाव मिलता नहीं है, लिहाजा प्राइवेट नाव से उसे निकलना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि 45 नाव आखिर कहाँ दी गई है। सदर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत 45 नाव की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई, ऐसा विभागीय अधिकारी बताते हैं। अब सवाल उठता है कि वो जो नाव है उनका फायदा इन लोगों को क्यों नहीं मिल पाता है। कागजी खाना पूरी मस्त विभाग के अधिकारी ये तो कह देते हैं कि 45 नाव की व्यवस्था कर दी गई है, जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं वो बाहर निकलते हैं और फिर वापस जाते हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट नाव का सहारा लोगों को क्यों लेना पड़ता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी छोटी नाव होती है, प्राइवेट नाव जो है या अभी जो सरकारी नाव है, तमाम तरह के नाव देखे जाते हैं, लेकिन उस पर सवारी इतनी बैठ जाती है कि कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। उसके जो है वो कायदे के हिसाब से उस पर लोड नहीं किए जाते हैं, क्योंकि कोसी की अथाह धारा है और ऐसे में अगर नाव से संबंधित कोई हादसा होता है तो बड़ी घटना जो है इसको लेकर किरकिरी हो सकती है। ऐसे में प्रशासन को सतर्कता रखनी चाहिए कि नाव से जो परिचालन हो रहा है, लोग कितने उस पर चढ़ पाते हैं, उसके क्या नियम है, कानून है, इसको लेकर प्रशासन को सतर्क रहना होगा ताकि किसी भी तरह की दुर्घटनाओं को समय से टाला जा सके। कशिश के लिए सुपौल।